अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सर? अल्लाह पाक आप सबको फजीलत से रखे। आज हमारा दूसरा सेशन है जमात अशकुन के लिए इस्लामियात का, और आज हम आगाज़ करेंगे काम का भी। और पहले हम इंशाअल्लाह ताला अपना सिलेबस लिखेंगे। सिलेबस को उर्दू में निसाब कहते हैं। आइए देखें हमारा निसाब क्या है। हमारा निसाब है मिकात अव्वल के लिए, फर्स्ट टर्म के लिए। उसमें दो असबाक है हमारे पास। पहला सबक है हिजरत व जिहाद, और दूसरा सबक है आयली ज़िंदगी। ये दो असबाक हम पढ़ेंगे मौसूआती मुताले से इस्लामियात के। और फिर हमारे पास एक चीज़ है अहादीस मुबारका। 20 हदीस कुल हमारे पास होती है पूरी बुक के अंदर। हमने इस टर्म के अंदर 1 से लेकर 5 तक हदीसें पढ़नी हैं मिकात अव्वल के अंदर। और हिस्सा कुरान सूरह अनफाल है, सूरह अनफाल में हमारे पास है आयत नंबर 144। 1 से लेकर 44 तक हमने आयतें पढ़नी हैं तर्जुमे और तशरी के साथ सूरह अनफाल की। और फिर आगे चलिए नाजरा। हमारे पास नाजरा में क्या है? पहली चीज़ है नमाज जनाजा, उसके हम अरकान, उसकी दुआएँ, उसको प्रैक्टिकल इसमें सीखेंगे हम इंशाअल्लाह ताला। दूसरी चीज़ है रोज़ा रखने और खोलने की दुआ, दुआएँ कनूत, वाजिबात नमाज। ये हमारा पूरा निसाब है मिकात अव्वल का। आप सब ने इसको कॉपी के अंदर नोट डाउन करना है, लिख लेना है अच्छे तरीके से पैटर्न पेज बनाने के बाद। आगे चलिए काम का आगाज़ करते हैं। पहला सवाल है हमारा सूरह अनफाल में मोमिनों के किन सिफात का जिक्र है? सूरह अनफाल के अंदर अल्लाह ताला ने मोमिनों की 5 सिफात का जिक्र फरमाया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत कुलूबुहुम। मोमिन वो लोग हैं जिनके दिल अल्लाह का जिक्र सुनकर डर जाएं। मोमिन अल्लाह का जिक्र करने वाले होते हैं, और जब उनके सामने अल्लाह का जिक्र किया जाए या जब वो खुद अल्लाह का जिक्र कर रहे हों तो अल्लाह के जिक्र से, अल्लाह की आयात को सुनकर वो डर जाएं, अल्लाह के जलाल से डर जाएं। नंबर 2, दूसरी निशानी मोमिनों की, अल्लाह की आयात सुनकर उनका ईमान बढ़ जाता है, उनका ईमान और मजबूत हो जाता है। तीसरी निशानी, वो हर हाल में अल्लाह पर भरोसा रखते हैं। मोमिन अल्लाह ताला पर हर हाल में तवक्कुल करते हैं, भरोसा रखते हैं, अपने ईमान कमज़ोर होने नहीं देते। नंबर 4, मोमिन हमेशा नमाज कायम करते हैं। नमाज तो जंग में भी मुआफ़ नहीं है। कोई कितना ही बीमार क्यों ना हो, अगर वो खड़ा होकर नहीं पढ़ सकता, लेट कर भी नहीं पढ़ सकता, इशारे से पढ़ ले, जैसे इसको पॉसिबल हो, तो जिस तरह पढ़ सकता हो, नमाज मुआफ़ नहीं है। नंबर 5, वो अल्लाह के दिए हुए माल में से खर्च करते हैं अल्लाह की राह में, अच्छे कामों में, जायज़ राहों में, ठीक है। अपना माल ज़ाया नहीं करते, अपना माल गलत जगह खर्च नहीं करते, गुनाह के काम में खर्च नहीं करते, इसराफ नहीं करते। ये है मोमिन की 5 निशानी। ये हमारा पहला सवाल था, हमने काम का आगाज़ किया। तो आपने ये पूरा सवाल कॉपी के अंदर उतारना है टाइटल पेज बनाने के बाद। टाइटल पेज बनेगा सूरह अनफाल आयत नंबर 1 से लेकर 10 तक। हेडिंग भी यही आएगी, टाइटल पेज भी इसी का बनेगा। तो आपने सिलेबस उतारने के बाद टाइटल पेज बनाना है, और फिर आपने काम का आगाज़ कर देना है। इंशाअल्लाह ताला अगले सेशन में मज़ीद सवाल जवाब का काम करेंगे। तब बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।